आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को सीटेट 2023 के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हिंदी से रिलेटेड जो है सिलेबस को जानेंगे कि आपका जो है सीटेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो है EBS के ऊपर बात कर लिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे सीटेट 2023 नोटिस के तौर पर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है सिलेबस को समझना, क्योंकि तैयारी करने से पहले जो है सिलेबस को समझना बेहद ज़रूरी होता है। और मैं बता दूं कि यह जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, यह पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 जो होता है आपका उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में जो होते हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 2 का सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम ही रहता है, थोड़ा सा चेंज है हिंदी की बात करें तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में जो आपका होता है, हिंदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, जिसमें आपका जो है क्या होता है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जो है 30 प्रश्न में जो है 15 प्रश्न जो होते हैं आपके हिंदी व्याकरण से होते हैं, आपके ग्रामर से होते हैं 15 प्रश्न, जिसमें आपका बात कर ले हम पैसेज की, यानी कि हम बात कर ले आपके गद और पद की, तो उससे आपके जो है 11 प्रश्न होते हैं, गद और पद से 11 प्रश्न, यानी पैसेज से आपके 11 प्रश्न होते हैं, और 4 प्रश्न जो होते हैं आपके ग्रामर से होते हैं, समझ गए, तो 15 हो गए। और जो आपका 15 प्रश्न होता है वो आपका जो है शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से होता है, समझ गए, पेडागोजी से होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 15 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 30 प्रश्न होते हैं। तो अब यह 30 प्रश्न में से जो है आप जो है 25+ स्कोर कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे का मैं बता दूं कि हिंदी में नंबर कम आता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है, या आपका लैंग्वेज पेपर है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कैसे आपको जो है 25+ स्कोर करना है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर जो चैप्टर बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उसको जो है करना है, और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और जितना क्वेश्चन कर सके वो बेहतर रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपको हम यहाँ पर बात कर ले कि हिंदी व्याकरण की बात कर ले, तो हिंदी व्याकरण से आपके जो है ना 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। और ये जो होता है आपका अपठित गद्यांश, इससे आपके जो है 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 7, और आपका अपठित पद्यांश, इससे आपके जो है 5 प्रश्न, या हाँ जी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तीनों को जोड़िएगा, 3+7+5 यहाँ पर 15 प्रश्न आपके हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका हिंदी ग्रामर 4 प्रश्न, जिसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय और संधि विच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं, और यहाँ बस वही 3 चैप्टर, ज़्यादा चैप्टर नहीं होते उसमें, समझ गए। या कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम पूछ लेता है, कभी कभी अलंकार भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर अलंकार देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, अपठित गद्यांश कहने का मतलब है कि एक आपको पैसेज लिख देगा कहानी के तौर पर, और नीचे आपको उसी में से पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। दूसरा आपका होता है अपठित पद्यांश, पद्यांश का मतलब कि एक कोई छोटा सा पोयम दे देगा, उसका भावार्थ निकालकर जो है आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये आपका जो है 15 नंबर इस तरह आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर ले यहाँ पर आपके शिक्षा शास्त्र की, कि शिक्षा शास्त्र जो आपका पेडागोजी है उससे आपके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह देख ले। तो यहाँ पर आप पहला देखिएगा, पहला चैप्टर की बात कर ले, अधिगम एवं अर्जन, यह पेपर में जो है ना कहीं भी आप पढ़िएगा तो देखने को सेम ही मिलेगा, अधिगम एवं अर्जन से जो है आपको रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला चैप्टर है। दूसरा आपका है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, समझ गए, भाषा शिक्षण या टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि आपको जो है भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानना होता है। अगला यहाँ पर है कि भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, क्या, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, ये भी आपका चैप्टर 3 है। अब हम चैप्टर 4 की बात कर ले यहाँ पर, तो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, क्या, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, कि जितने भी भाषाई विविधता के कक्षा कक्ष हैं वहाँ पर समस्या क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर अगला आपका 6 है भाषा कौशल का जो है इसके बारे में जानना है, कि जो आपका लैंग्वेज स्किल है वो क्या क्या है उसके बारे में जानना है। फिर यहाँ पर है भाषा बोध, यानी कि 4 स्किल होते हैं, सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जितने भी चैप्टर है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। अगला यहाँ पर है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। फिर यहाँ पर है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक, समझ गए, निदानात्मक शिक्षण के बारे में भी पूछा जाता है, निदानात्मक शिक्षण के बारे में भी पूछा जाता है। प्लस में आपके NCF 2005, NEP 2020, फिर आपका NCF 2022, इससे बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका हिंदी का इतना सारा सिलेबस है, आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका इधर 15 नंबर और ऊपर आप जो है, और ऊपर जो है यहाँ पर आप ये दो पढ़ लेते हैं, तीन ग्रामर और पठित गद्यांश और पद्यांश, यानी कि आपको दो पैसेज का जो है रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर जो है इधर भी आप 15 ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्कोर आप जो है 20-25 प्लस कर सकते हैं, जो सच्चाई है, समझ गए। तो इतना ही जो है आपको हिंदी में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके।